फ्रेंड्स इलेक्शन जो है आने वाले और यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए जो सबसे बड़ा खतरा बन चुका है वो बन चुका है फेसबुक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका टेक ड्रिबल के फ्रेश एपिसोड में। तो ये हमारे टेक मैशअप का नया एपिसोड, तो जल्दी शुरू करते हैं हमारा वीडियो, लेट्स गो ड्रिबल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पहला अपडेट निकल गया था वो था फेसबुक के लिए, जहाँ पर फेसबुक को जो है गवर्नमेंट ने जो है एक लीगल नोटिस भेज दिया है। और उन्होंने कहा है कि अगर आपने इंडियन यूजर्स का भी डेटा यूज करा है इलेक्शन के टाइम पे तो आप उन्हें बता दीजिए, ताकि यहाँ पर अगर यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम आ चुकी है फेसबुक के लिए, जहाँ पर उनका डेटा जो है लीक हो गया था इलेक्शन के टाइम पे। तो यहाँ पर अब फेसबुक जो है चारों तरफ से घिर चुका है। पर यहाँ पर आपको क्या लगता है कि अगर आप ऑनलाइन है तो आपका डेटा कहीं पे भी सिक्योर है या फिर नहीं? तो अभी जो है फेसबुक के लिए बहुत बुरा टाइम चल रहा है और इसके ऊपर मैं आपके लिए कल एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल गया था वो आता है चाइना के लिए, जहाँ पर चाइना जो है अगले 3 साल में बन जाएगा वर्ल्ड का टॉप पेटेंट फिलर। और यहाँ पर चाइनीज जो है यहाँ पर बहुत सारे पेटेंट्स को फिल करते हैं। और यहाँ पर लास्ट ईयर जो इनका नंबर निकल के आया पेटेंट फिल्स करने का, यहाँ पर निकल के आया 2,43,500। तो यहाँ पर चाइनीज जो है बहुत सारे पेटेंट्स फिल करते हैं और कई सारी टेक्नोलॉजीज को इनोवेट भी करते हैं। तो यहाँ पर अब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है 3 साल में जो चाइना जो है सबसे ज्यादा पेटेंट फिल करने वाला कंट्री बन जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आता है वो आता है गूगल असिस्टेंट के लिए, जहाँ पर गूगल असिस्टेंट में जो है अब पैसे ट्रांसफर करने वाला फीचर भी आने वाला है। यानी कि अगर आप गूगल असिस्टेंट को यूज करना चाहते हैं किसी को पैसे भेजने के लिए, तो आप इसे यूज कर सकते हैं अब कुछ ही दिनों में। तो यहाँ पर ये एक जो नया फीचर निकलने वाला है, जहाँ पर गूगल जो है गूगल पे को यूज करते हुए अपने सारे पैसे के ट्रांसफर को देखेगा। और यहाँ पर ये एक कमाल का फीचर हो सकता है गूगल असिस्टेंट में। फ्रेंड्स यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल गया था वो आता है इसरो की तरफ से, जहाँ पर इसरो जो है अपनी एक नई सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है 29 मार्च को, जिसका नाम है GS-86। और यहाँ पर ये जो सैटेलाइट होगी वो बेसिकली होगी कम्युनिकेशन के लिए। और यहाँ पर हम होप करते हैं कि ये जो सैटेलाइट लॉन्च है वो सक्सेसफुल रहे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अगली न्यूज निकल के आती है वो आती है हुआवे की तरफ से, जहाँ पर हुआवे जो अपना नया फोन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है P20। और यहाँ पर खास बात यह है कि यहाँ पर आपको इंटरनल स्टोरेज जो मिलेगा 512 GB का, यानी कि यहाँ पर आपको 1.5 TB का जो इंटरनल स्टोरेज मिलने वाला है इस नए फोन में। तो यहाँ पर अब बहुत ही आसान हो चुका है आपके लिए स्टोरेज को कैरी करना, यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क कैरी करने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि आपके फोन में ही अब जो है 512 GB तक का स्टोरेज आपको मिलने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स अब जो अगला अपडेट निकल गया था वो आता है जियो फोन के लिए, जहाँ पर अब जियो फोन में जो है आपको व्हाट्सएप का सपोर्ट मिलने वाला है कुछ ही दिनों में। और यहाँ पर ये बहुत ही खास बात है कि यहाँ पर एक फीचर फोन है जहाँ पर आपको हर चीज का सपोर्ट मिल चुका है। और यहाँ पर जियो फोन जो है काफी किफायतेमंद साबित हो रहा है सभी लोगों को। फ्रेंड्स यहाँ पर जो अगली न्यूज निकल के आती है वो आती है जियो के लिए, जहाँ पर जियो ने जो है जनवरी के मंथ में करीबन 80 लाख नए कस्टमर्स को ज्वाइन करा। यहाँ पर आइडिया एयरटेल और वोडाफोन का जो नंबर निकल के आता है वो आता है 40 लाख के आसपास। तो यहाँ पर जस्ट डबल जो है जियो ने इन तीनों कंपनीज के यहाँ पर नए कस्टमर्स को ऐड करा अपनी कंपनी में। फ्रेंड्स यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आता है वो आता है OnePlus 6 के लिए, जहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशन जो है फाइनली लीक हो चुकी है। यहाँ पर जो है आपको इसमें 6.28 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा। और यहाँ पर जो इसका जो एक्सपेक्ट रेशो होगा वो होगा 19:9 का। यहाँ पर जो स्नैपड्रैगन जो है 845 का आपको सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पर 6 GB 128 GB के साथ ये वेरिएंट आ सकता है। यहाँ पर अगर हम कैमरा की बात करें तो यहाँ पर 20 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल का आपको ड्यूअल रियर कैमरा मिलेगा। और यहाँ पर आपको 20 मेगापिक्सल का एक फ्रंट शूटर मिलेगा। यहाँ पर अब देखने की बात है कि OnePlus किस प्राइस पे इसको लॉन्च करता है, और देखते हैं कि यहाँ पर OnePlus 6 कितनी धूम मचाता है। बस यही थी इस वीक की कुछ टॉप टेक न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।